ये रहा पहला योहन्ना चौथा अध्याय वचन दो, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:2, क्या लिखा है आइए देखते हैं। लिखा है परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। पास्टर डेनियल ये इतना सिंपल लाइन कि जो कोई मान लेगा कि यीशु शरीर में होकर आया, ये तो कोई भी मान सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसको ऐसी ब्रैकेट में कि परमेश्वर का आत्मा अगर है तो वो मान लेगी, उसका उल्टा करें अगर कोई नहीं मानता कि यीशु शरीर में होकर आया वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो ये तो कोई भी मान सकता है। बट इसका जो लेखक है ना, जिसको कहते हैं जॉन योहन्ना, उसने एक पत्री पहले लिखी थी और उस पत्री को कहते हैं द गॉस्पल लेटर ऑफ जॉन या गॉस्पल जॉन या योहन्ना सुसमाचार की पत्री, ये वाला। जानते उसने क्या लिखा था? इसने लिखा था योहन्ना 1:1 में, जॉन 1:1 में लिखा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आप इसको पढ़े होंगे लेकिन आपने इसी योहन्ना को इसी अध्याय में वचन 14 में यह कहते हुए पढ़ा होगा जो मैंने अभी रखा है कि वचन देह धारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। तो इसका कनेक्शन इसके साथ है कॉन्टेक्स्ट में। तो लेखक पहली सदी में अपने जीते जी जब बातों को लिख रहा था, यीशु के 20 से 30 साल के बाद जब वो उठा लिए गए, तब उसने ये बात कही और कहा कि जिसको हम यीशु कहते हैं वो वचन था, वो वचन था, आदि से था, और वो वचन परमेश्वर था, थियोस, और वो परमेश्वर जो वचन था वो देहधारी हुआ, बिकम फ्लैश, वो शरीर में प्रकट हुआ। और यहां पे क्या लिखता है कि जो कोई आत्मा ये मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया वही आत्मा सही है। तो इसका मतलब ओनली जीसस जहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, एलुमिनाटी और ऐसे बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स हैं जो ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर हो ही नहीं सकता, वो गलत आत्मा में आ गए, मैं अभी रखूंगा। तो इस वचन के मुताबिक यीशु देहधारी हुआ क्योंकि यीशु परमेश्वर था, यीशु आदि से था, यीशु शुरू से था, ही वॉज फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसी का 3 यानी कि पहला योहन्ना 4:3 कहता है कि जो कोई आत्मा, ऐसी एक आत्मा जिसको कहते हैं परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा, लेकिन एक और आत्मा है पृथ्वी पे, और वो लिखता है लेखक जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह का विरोध की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। तो मैं फिर से पीछे जाता हूं, आज का जो टॉपिक है मसीह विरोधी की आत्मा अब भी जगत में है। तो इसका मतलब इस वचन के मुताबिक एक ऐसी आत्मा है अभी पृथ्वी पे जो मानने को तैयार नहीं है कि यीशु शरीर में प्रकट होकर आया, ना यीशु को मानती है कि वो शरीर में प्रकट होकर आया इस वचन के मुताबिक, क्योंकि यीशु देहधारी हुआ था, और लिखता है कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है। तो यीशु को नहीं मानती, यीशु की बातों को नहीं मानती, यीशु की टीचिंग को नहीं मानती, तो ऐसी आत्मा अभी भी है।